Here is Chirag. Hello everyone, welcome back to my channel Explore the Milestones. और आज है Saturday 21st September. अभी सुबह के बज रहे हैं, कितना वागे जो सवार ना 8:30-9 कुछ बज रहे हैं और हम लोग रेडी हो चुके हैं. हम लोग निकल रहे हैं हमारी गाड़ी में. सो फ्रेंड्स, हमारी बात अभी अधूरी रह गई, अब मैं बताती हूँ. हम गाड़ी में सेट हो गए, बैठ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं मुलशी. अभी सुबह के 8:45 बज रहे हैं और क्योंकि चिराग का कुछ ऑफिस का कुछ काम है तो ये सेट के चलो तुम लोग भी साथ में चलो तो थोड़ा 2-in-1 काम हो जाएगा. और इतना इंस्टेंट प्लान बना है बिकॉज फर्स्ट इनिशियली ही वॉज सपोज टू गो अलोन. हमारा कुछ तैयारी नहीं था, सब रात को 1 बजे हम लोग ने रेडी किया है, सब पैकिंग वैकिंग सब कल रात को हमने 12:30-1 बजे फटाफट किया है. एक दिन का ही प्लान है, मतलब एक नाइट का ही प्लान है, तो वहाँ पे उनका काम भी हो जाएगा और मेरा और चिंकू का घूमने का भी प्लान हो जाएगा. घूमने के लिए कौन रेडी नहीं होता है. सो अभी चिराग वाज सेइंग के इंजन में बहुत सारे माउस ने पॉटियाँ की हैं. हमारे बिल्डिंग में एक्चुअली कैट्स हैं बट अभी 2 महीने से पता नहीं वो कैट्स बहुत कम हो गई हैं. 3-4 कैट्स थी, उसमें से भी एक ही कैट है. तो जब वो कैट थी तभी बहुत अच्छा था, हमारी गाड़ी में सब माउस नहीं आते थे. बट अभी शायद बारिश बहुत ही ज़्यादा है 2 महीने से, तो आई गेस कि उसकी वजह से कैट कहीं पर शिफ्ट हो गई है, उसकी वजह से माउस वापस आना चालू हो गए हैं. और इंजन में आज सुबह देखा हमने काफ़ी सारी पॉटियाँ थी, तो वही हम चिंकू को पूछ रहे हैं. चिंकू ने सबके नामकरण किए थे कैट के, क्या क्या थे सब BTS वर्जन के नाम थे कैट्स के उसके. और काफी धूप है आज, नॉट रेनी टुडे. अभी तो बाहर का टेम्परेचर 28 डिग्रीज है, हमारे गाड़ी का टेम्परेचर 25 डिग्रीज है. टुडे सैटरडे, सबका वर्किंग है, सब लोग काम पे जा रहे हैं, हम लोग भी हमारे काम पे भी जा रहे हैं और हम लोग घूमने भी जा रहे हैं. 2-in-1 काम हो गया आज बिकॉज ऑफ माई लवली हस्बैंड चिराग. बाय द वे, आज बताओ, आज चिराग का गेटअप कैसा लग रहा है? कुछ चेंज है ना? क्या चेंज है मुझे बताना. जंगल बन गया. आज चिराग का ड्रेसअप मैंने चूज किया है और हर टाइम मोस्टली ही चूजेस फॉर हिमसेल्फ. आज मैंने चूज किया बिकॉज आज मेरा बर्थडे है. हैप्पी हैप्पी बर्थडे, बर्थडे हैप्पी हैप्पी बर्थडे. सो गाइस प्लीज शावर योर ब्लेसिंग्स और मुझे अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देना मेरे बर्थडे विशेस के लिए और दुआएं करना हमारे लिए, हमारे चैनल और आगे बढ़े और अच्छा कंटेंट मैं आपको रेगुलरली दे सकूं और सब हमारा जो भी है हमारा हार्ड वर्क स्ट्रगल इसमें डाल के चैनल को आगे बढ़ा सकूं. प्लीज सपोर्ट आवर चैनल, सपोर्ट माय वर्क, सपोर्ट आवर फैमिली. और हम लोग आए हैं हमारे टायर में हवा भराने. डीजल तो हमारा फुल ही है, सो हवा एक बार चेक कर लेते हैं. सामने देखो सब जा रहे हैं, कैसे दिख रहे दूर से, ब्रिज से जा रहे हैं. और अभी अभी मुझे याद आया, मैंने चिराग को बताया कि हमारी गाड़ी का PUC एक्सपायर हो चुका है 2 महीने से. मैं बोल रही हूँ बढ़िया भाई साहब को टाइम नहीं है, जो कुछ भी करना है सब कुछ बाइक 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 में करना है. बाइक को धुलाओ, बाइक का ये करो, बाइक का लाइट कराओ, बाइक का वो कराओ, उसका सर्विसिंग कराओ, उसका चेंज सब करो, गाड़ी में कुछ नहीं करना है. हाँ तो गाड़ी को छोड़ दिया, अबैंडन छोड़ दिया, भगवान भरोसे गाड़ी को, इतनी महंगी 14 लाख की गाड़ी को छोड़ दिया बाइक के पीछे. तो फिर नहीं लेना था गाड़ी, बाइक ही लेना था. ऐसा नहीं है, हम लोग जब भी चिंकू है साथ में तो हम लोग कार लेते ही लेते हैं, बट जब भी लेना जरूरी नहीं होता है, लेने के साथ उसे मेंटेन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. अभी तो एक और है ना, आपको मैं गुड न्यूज दूंगा आफ्टर 5-10 डेज के बाद में, कि इतना मस्त अपग्रेडेशन होएगा बाइक में कि अनएक्सपेक्टेड है वो. उसके लिए तो मैं बहुत वेट कर रहा था कि भाई पता ही नहीं कि इसके लिए ये कभी डिवाइस आए, कभी आए, कभी आए. हाँ एक डिवाइस है वो लगेगा तो इट्स लाइक ऑसम. मेरा बाइक फुल्ली लोडेड, ऑलमोस्ट मेरा 80-90% बाइक फुल्ली लोडेड हो गया है, खाली एक 10-20% बाकी है. वो ये चीज आने के बाद पूरा फुल्ली लोडेड हो जाएगा. यस आई एम वेटिंग फॉर इट. कार को वॉश कराने का भी टाइम नहीं है और ये सब करने के लिए बहुत टाइम. स्कूटर तो हमारा पूरा वसूल हो चुका है ना, ये आया तब से हम लोग स्कूटर पे, लोनावाला स्कूटर पे पूरा गणपति दर्शन, पूरा विसर्जन दर्शन. विसर्जन के लिए हम पूरा फुल नाइट बाहर थे, हम लोग सुबह 4:30 बजे घर पे आए. पूरा नाइट हम लोग चौपाटी का देखा, गिरगांव का देखा, शिवाजी पार्क देखा, रास्ते में दादर परेल सबके सबके, तिलक नगर चेंबूर, इतने मस्त गणपति देखे ना. उस दिन मुझे इतना रिग्रेट हुआ कि शिट मैंने क्यों व्लॉग नहीं बनाया, गोप्रो याद ही नहीं आया. इतना इंस्टेंट एक्चुअली प्लान बना क्योंकि उसका विसर्जन नेक्स्ट का स्कूल था तो हम लोग
लोग ऐसे जाने वाले नहीं थे विसर्जन देखने के लिए। फिर सोचा कि नहीं छोड़ो यार देख लेते हैं, घड़ी घड़ी ऐसा चांस नहीं आता है, स्कूल में एक दिन मंक मारे चलेगा। बट ये विसर्जन का जो सीन है वो देखने जैसा था, बहुत ही मस्त था यार। फुल नाइट फर्स्ट टाइम हम लोग ने लाइफ में देखा कि फुल नाइट कितने सारे गणपति जा रहे हैं, पूरी रात चालू है और सब ट्रक्स के ट्रक्स जा रहे हैं, शिवाजी पार्क में भी पूरी लाइन है, चौपाटी में भी पूरी लाइन है। फर्स्ट टाइम हमने ये सब देखा और क्या गणपति थे, अलग 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 वेराइटी और इतने अलग अलग, बाप रे बहुत ही मस्त है यार। चौपाटी और शिवाजी पार्क में मैंने क्यों देखा जो अपन विसर्जन करने के लिए, ओ माय गुडनेस मैं तो पागल हो गया यार देख के, किधर से किधर लाइन गए सब गणपति जी एक के पीछे एक, एक के पीछे एक खड़े हैं कंटिन्यूस वेटिंग में कि भाई ये भाई आपका विसर्जन हो तो आप यहाँ से हो जाओ, फिर दूसरे का नंबर आओ, टर्न बाय टर्न टर्न बाय टर्न, ऐसे सुबह हो जाती है नंबर आने में। अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा क्लाइमेट दिख रहा है, इतनी जल्दी ड्रेन हो रही है ना समझ में नहीं आ रहा। एक तो ऑलरेडी हमारी तीन बैटरी में से एक बैटरी तो खराब हो गई है, स्वेल हो गई है वो पूरी नई नई बैटरी, वो आई तब से ऐसे लग ही रहा था कि वो थोड़ी फूली हुई लग रही थी, बहुत जल्दी खराब हो गई वो। और ये भी दो बैटरी बची है उसमें से भी जल्दी जल्दी ड्रेन हो रही है। आज काफी सारे लोग दिख रहे हैं फैमिली ट्रिप वाले, कार में बाइक पे, सैटरडे ओ दो तीन राइडर भी देखे हमने बाइक पे, बहुत सारे देखे मैंने, घूमने के मूड में है सैटरडे संडे। क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए यार लोनावला में, मुंशी में क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फिर धूप में तो मजा नहीं आएगा। लोनावला स्ट्रीट, पनवेल स्ट्रीट, गोवा स्ट्रीट। और आज हम लोग चाय नाश्ता करके आए घर से थोड़ा, इसलिए अभी इतनी भूख नहीं लगी है, नहीं तो बाहर जाके ही पहले हमारा खा 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 भूख लगी भूख लगी भूख लगी, पूरा चाय पियो चाय पियो। पेट पूजा तो ज़रूरी है, अच्छा लेकिन घर से खा के आए। चिल्ला गुजरा है कि यार सुबह 6 बजे निकलना था, 6 बजे निकलना था, एक तो बर्थडे का दिन है मतलब 6 बजे निकलना था सुबह सुबह, स्कूल है कि ट्रिप है, एक ही दिन का है अभी, इसमें भी इसको आराम से निकलना है तो इससे ज्यादा बेटर है। घूमने मान इंसान क्यों जाता है, एंजॉय करने जाता है कि स्कूल की तरह रोज अब टाइम टू टाइम करो, जो अर्ली मॉर्निंग उठो, रोज हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो निकल के अपन वो दिन पूरा एंजॉय करें ना, क्या करें घर पे रह के, वो दिन अपने अगर बुक्ड है अपना उधर तो वही पूरा टाइम अपना टाइम उधर ही स्पेंड करें ना, घर पे क्या करें। 7 o'clock 8 o'clock ठीक है, 6 बजे कौन, 5 बजे उठ के 6 बजे ट्रिप के लिए कौन निकलता है, सब निकलते हैं, यही सिर्फ नहीं निकलते हैं हम लोग, सब लोग तो निकलते हैं क्योंकि ये थोड़ा आलसू है इसके लिए। आलसू नहीं, जो चीज़ का जो मजा जिसमें वही करना चाहिए, एंजॉइंग करने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाना, स्कूल की तरह स्ट्रिक्ट टाइम टू टाइम करने के लिए नहीं जाना। यहाँ मुझे पता लेफ्ट वालों को उबेर सब लोग इज्जत से गाड़ी चला रहे थे, सबको जो भी बड़े ट्रक्स है ये देखो आप जा रहे हैं, जो भी मतलब एक्सेल बड़े एक्सेल वाले सबको लेफ्ट हैंड साइड में दे दिया है, और ये बड़े ट्रेलर के लिए रेस्टिंग एरिया भी दे दिया है, मतलब आप देखो क्या सही है एकदम, अभी तो रूल्स कितने अच्छे कर दिए इन लोग ने। फोर व्हीलर देखो सब कितने चला रहे हैं, और पहले तो 80 किलोमीटर का ही लिमिट था ठीक है, तभी वो थोड़ा बोरिंग लगता था कि भाई 4 व्हीलर ज्यादा ही स्लो था यार, बहुत ही स्लो मतलब 100 हो गया अभी 4 व्हीलर 100 हो गया तो अभी थोड़ा चलाने में थोड़ा समझ में आता है, और अभी सब बड़ी गाड़ियों को स्ट्रिक्टली एकदम स्ट्रिक्टली लेफ्ट हैंड साइड में ही चलाना है, कोई भी ओवरटेक नहीं करेगा बोला तो है, अभी सब कितना इंप्लीमेंट करते हैं उस पर डिपेंड करता है, तो तुरंत चलाना है। ग्रीनरी ग्रीनरी लोनावाला 36 किलोमीटर नो स्टॉपिंग नो ओवरटेकिंग टनल अहेड No photography inside the tunnel. Do not stop in the tunnel. Wow, ये सीन मस्त लगता है यार। Full greenery के बीच में ऐसा लगता है जुमान जी के कोई इस एपिसोड में आ गए। और नया लास्ट पिक्चर था ना वो जुमान जी वाला। यार अंदर आके पता चलता है हमारा कांच कितना डर्टी है। अरे गाड़ी वॉश नहीं कराई ना एक्चुअली, इससे डर्टी डर्टी कांच है। थोड़ा
की तरह सब लोग घूमने को जा रहे हैं, नहीं गाड़ियाँ इधर। चलो भाई, हाउ मच टोल? 320 रुपीज। ताले का फटाक से कट गया, फटाक से। इतना स्ट्रॉन्ग फास्ट है ना, इतना शार्प है, दूर से ही पकड़ के पहुँचते तब तक कट भी हो जाता है। वैसे गुजरात में पीयूसी। चलो ट्रिप के बीच में पीयूसी कराते हैं। चलो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। बहुत कंटाल आता है मेरे को ये सब ट्रिप के बीच में होता है ना। मैंने कल ही चिराग को बताया, सब गाड़ी का रेडी है, सब अप टू डेट है, टायर, हवा, पेट्रोल, डीजल, वाइपर्स के पानी, शैम्पू, वाटर, सब। हाँ, ट्रिप के बीच में होता है ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, टाइम जाता है यार ये सब। वैसे पहले से रेडी होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए सब कुछ। Looking smart, just because of me, because I have chosen this outfit for him today. 10:09 हो रहे हैं। ही टोल्ड के 5 मिनट्स लगेगा, देखते हैं कितना मिनट लगता है। 5 मिनट्स लगता है, कितना लगता है? बहुत अलग से हम लोग तो जोइए। Then 500 का छुट्टे तू? Hey 500 तू? हो गया, 4 मिनट में हो गया पीयूसी। पीयूसी में टाइम थोड़ी ना लगता है, चलो कमान। कितना महीना सुधी मुझे? 1 वर्ष। मेरे बर्थडे के दिन पीयूसी निकल, 1 साल के लिए। अभी हर साल मेरे बर्थडे के दिन याद रहेगा। वो बस आवे चले फिर आपको भूख नहीं लगी ने? ना गाड़ी नहीं खबर। कमान लेट्स एंटर लाना वाला।
हैव सम ब्रेकफास्ट. हम लोग सोच रहे हैं बैठ के नहीं खाएंगे यहाँ पे, कुछ फटाफट हैंडीज या कुछ ले लेंगे और ऐसे फिर खा लेंगे समोसा वड़ा पाव कुछ भी, क्योंकि वहाँ पे फिर प्रॉपर लंच करेंगे. अभी लंच से पहले थोड़ा मतलब भूख लगेगा हम लोग को. हमने अर्ली मॉर्निंग 7 बजे नाश्ता किया है, इतना भी हैवी नाश्ता नहीं किया है. हमारा चेक इन का टाइम हो गया भाई. चेक इन तो भाई 12 o'clock पहुँचे ना. तो यहाँ पे जैसे 11 बजे तो हो जी बाहर से तकरीबन तो पहुँचे उसमें ना. यहाँ तक तो दूर से यार एकदम सॉफ्ट लो आवे से ठंडा करने को आ गए से 10:30 थाई जाए. सोच रहे फटाफट कुछ हैंडी ले ले और सूखा होकर नाश्ता वास्ता पैकेट वगैरह भी ले लेंगे एकदम सॉफ्ट बेकरी आवे छे ने ब्लू कलर मा. सो हम लोग आ गए हैं लोना वाला. यहां पे है हमारा गोल्डन वड़ा पाव और यहां पे हम लोग पार्किंग के टेंपल यहीं रखे थे ना, ये कहीं ना थी. नहीं, 5 मिनट यहां पे ढूंढ रहे हैं कहीं पे खड़े रख के इधर फटाफट ले लेते हैं पार्सल और चिंकू का कुछ वेफर इधर से ले लेते हैं. देखो तू उतरी जाए काम कर तेरे यू टर्न मारी ना हो जो आप पांडू में सू लो वड़ा पाव 5 मिनट एक वड़ा पाव बे समोसा बहुत धूप है यार. हेलो 3 वड़ा पाव 3 समोसा पार्सल. ये है हमारा गोल्डन वड़ा पाव का समोसा और वड़ा पाव और मैंने लिए है मेरे लिए मेरी फेवरेट जलेबी. जलेबी वहाँ पे 15 मिनट का वेटिंग लगा बिकॉज मैं गई और उसका स्टैक खत्म हो गया वड़ा पाव का और इतना गर्दी हो गया. इतना गर्दी हो गया 10 मिनट में बाप रे बहुत गर्दी हो गया. और ये मेरे को वड़ा पाव देखिए इतना खाने का मन कर रहा है, भूख लगा है अभी. ये हमारा टाइगर पॉइंट लोनावाला मार्केट सर्कल लोनावाला यहां से राइट टाइगर पॉइंट फ्रॉम हियर. और यहां पे देखते हैं रास्ते में भी चिंगू का मोंजिनिस वो रहा. चिंगू का मोंजिनिस क्या है जी? आई री मैंने पिंक कलर नहीं है देखा है जो मोंजिनिस पिंक कलर नहीं मोंजिनिस. हां मोंजिनिस अच्छे हां ले तो बच्चे मारी नजर बहुत शार्प छे. पहला खुली जगह नहीं जो आईने पास से रखो बस आने पाछन छोटा रे. हां सू जो है जी गो गो नहीं केक नहीं चाहिए. स्लाइस केक है क्या? ये वाली है वो ब्लू वाली नहीं है. अरे यार हवे चिंकू आ चॉकलेट फ्लेवर नहीं छे आ वाली एग वाली छे चाचा एग वाली वांदो नहीं पण एने ओली ब्लू वाली वैनिला फ्लेवर वाली है यार. ब्लू वाली कॉर्नर पर से जो टिफिन ने लगी छे ना पण ये तो डिफरेंट छे ने. आ खावी छे तो पूछे चल चो मच्छी ओली बीजी से चॉकलेट फ्लेवर नहीं मुझे अच्छी लगा बता 6 स्लाइस के पर ब्लू वाली नहीं बीजा फ्लेवर नहीं चाहिए. ले लेने नहीं नहीं चॉकलेट फ्लेवर नहीं चाहिए. माय मॉम इज ईटिंग फेवरेट जलेबी. अरे जलेबी सारी छे क्रिस्पी है मने बंदो बीजा आती का बाइट कर. टेस्टी जलेबी भूख लगी जाए छे ना तो बदू लीधू तू हमरा तो बिदू तो मैं मस्ती नु छास ए दस ले दा दस एक तो पहले दो अबे नऊ થઈ ગયા दो मैं मम्मी दादी जो करे अच्छा ये जो तेरो जो ही ना सके छु लोका यार ऑलमोस्ट 11:10 हो रहे हैं और हम लोग का यहाँ पे वड़ा पाव समोसा पार्टी चल रहा है गाड़ी और वो भी सामने मस्त व्यू के साथ. ऑसम व्यू है सामने पूरी ग्रीनरी है ये देखो तो ग्रीनरी ग्रीनरी में हम लोग आराम से बैठे समोसा वड़ा पाव और वो भी पता है ये देखो स्पेशली ठेचे के साथ खा रहे हैं. अभी शूट नहीं कर पाए मेरे हाथ गंदे हैं
लेके यहाँ से पकड़ना पड़ा। 10-15 मिनट में हम लोग ने फटाफट मस्त था यार, क्या वड़ा पाव था आज, क्या समोसे भी बहुत मस्त है, जलेबी मस्त था, मजा आ गया, जलेबी मस्त, कोड़ो क्रिस्पी बहुत पतली पतली, बहुत ही यम्मी था, सब कुछ यम्मी था, अमूल मस्ती छास, यस प्लीज, बहुत ही यम्मी था। लास्ट टाइम इसके समोसे हम लिए थे ना तो इतने अच्छे नहीं थे, आज तो बहुत अच्छा स्टफिंग था, काजू भी था, किशमिश भी था, अंदर का स्टफिंग भी बहुत यम्मी था, उसकी टीचा चटनी तो बहुत ही मस्त है, बहुत यम्मी थी। और अभी हम लोग बस यहाँ पे पहुँच गए हैं, आउटस्कर्ट्स में लोना वाला थे, कई और ऊपर और यहाँ से ऐसे बस ये ओंधे आया है, यहाँ से ऐसे उल्टा यू टर्न लेके ऊपर ब्रिज चढ़ के दूसरी साइड जाना है हम लोग को। अरे यार फुल आ जाए वो, ये रास्ता आप लोग को याद है, लास्ट टाइम हम लोग आए थे मेरे बर्थडे ट्रिप के लिए लोनावाला पौना डैम में, तभी का यही रास्ता था, पर तभी ये रोड बहुत ही खराब था, मार्केट से जो आते हैं ना वो रोड भी बहुत ही खराब था, बहुत ही खड्डे वाला था, और एक साल में तो काफी बेटर हो गया है। वाह, लुक एट द व्यू, वाह वाह, और इतना मस्त पेट भर गया यार, इतना टेस्टी था ना वड़ा पाव समोसा दोनों भी, जलेबी भी आ रही है, ज्यादा ले ली, मेरे को लग रहा है जलेबी ज्यादा ले लेनी थी यार, मैं तो डर डर के लिया कि कैसी रहेगी, पता नहीं अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, तो यहाँ पे तो थोड़े थोड़े खड्डे है, चप्पड़ चप्पड़ खा रहा, चिंकू कुछ चप्पड़ चप्पड़ खा रही है, चिंकू ने खाया जलेबी, वो समोसा नहीं खाती, वड़ा पाव नहीं खाती, उसने अपना ये कुछ लिया है कचर पचर। सो ये था हमारा सिर्फ अभी तक का लोनावाला तक आने का पार्ट, अभी आगे आगे क्या होता है पिक्चर पूरा बाकी है। रिसोर्ट हमारा अभी काफ़ी दूर था और रास्ता कैसा है, क्या क्या रास्ते में होता है, फॉर दैट यू नीड टू चेक आउट आवर नेक्स्ट व्लॉग। वाओ लुक एट दिस व्यू यार, वाओ रोड क्या व्यू तो बहुत मस्त है, रोड नहीं अच्छा है, बाप रे राइट, जैसे पहले से भी नैरो रोड हो गया, देखो आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, ऐसा स्लोप है, क्या बता रहे क्या रोड गाड़ी जा नहीं रही है, ओ यार सुबह भटकाए गाड़ी में।